हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आज मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद और प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव, जो प्रमुख स्वामी महाराज नगर अहमदाबाद के अंदर है। स्वामी महाराज नगर है ना, वो वेस्टर्न अहमदाबाद में एसपी रिंग रोड पे बना हुआ है और 600 एकड़ के अंदर बहुत ही बड़ा और बहुत ही व्यवस्थित आयोजन किया हुआ है। बहुत सारे लोग देश विदेश से ये देखने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, अभी मैं अहमदाबाद में आ चुका हूँ और मैं एक्सप्रेस हाईवे होते हुए हिम्मतनगर साइड वाला जो रिंग रोड है उधर मैं आ चुका हूँ। अभी मैं रिंग रोड पे हूँ और मेरे घर से आई थिंक ऐसा समझो ना कि मैं सूरत से निकला था, तो करीबन 300 किलोमीटर जितना डिस्टेंस है यहाँ पे। अभी मैंने आधा डिस्टेंस कवर किया है, तो अभी मैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए और थोड़ा चाय पीने के लिए मैंने बीच में गाड़ी रोकी है, लेकिन मैं अहमदाबाद आ चुका हूँ और अभी मैं रिंग रोड पे हूँ और यहाँ से करीबन अभी 40 किलोमीटर जितना डिस्टेंस अभी बाकी है, तो मैं प्रमुख स्वामी नगर पहुँच के आपको अपडेट देता हूँ। दोस्तों, अभी मैं प्रमुख स्वामी महाराज नगर के पार्किंग में आ चुका हूँ। मैं सुबह से निकला था तो 3 घंटा हुआ मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते। रास्ते में ट्रैफिक थोड़ा, मुझे जैसे ही ये नज़दीक आ रहा था तो ट्रैफिक ज़्यादा था, लेकिन व्यवस्था बहुत ही अच्छी है तो तुरंत ही नंबर आ गया। और देखिए, ये मेरे पीछे पूरा लार्ज पार्किंग है, पूरा लार्ज पार्किंग है। तो यहाँ पे कैसा है कि ये मेरे पीछे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, तो ये नंबर, जैसे ये नंबर का मेन पार्किंग है और उसमें 29 लिखा है, वो 29 की लाइन है और 21 नंबर का पार्किंग है। तो बहुत ही अच्छी सुविधा है और अभी मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ, तो आके जाके मैं मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे रहा, कौन कौन सा प्लेस है। तो आगे बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो मेरी चैनल में कंटिन्यू करिए, मेरी ये जो वीडियो है कंटिन्यू करिए और मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ है, जगह जगह पर स्वयंसेवक है और आपको बहुत ही पोलाइटली ये लोग बात कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो काफ़ी सारी अच्छी यहाँ पे व्यवस्था है। और देखिए, मेरे चारों ओर आपको पार्किंग ही पार्किंग दिख रहा होगा, पूरा पार्किंग है। देखिए, तो बहुत ही बड़ी जगह है और ये जो प्लेस है ना, 600 एकर्स के अंदर बनाया हुआ है, तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अद्भुत ये जो प्रमुख स्वामी विलेज है बनाया है। तो मैं आगे जैसे ही अंदर एंट्री करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा प्लेस घूमने लायक है, अंदर क्या क्या बंदोबस्त है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सुबह से गाइज मैं निकला था, तो मैं घर से 10 बजे के करीब निकला था, तो अभी टाइम हुआ है 4 o'clock, लेकिन बीच में मैंने थोड़ा आधा घंटा से ऊपर रेस्ट किया। मैं थोड़ा फ्रेश भी हुआ, नाश्ता भी किया, भूख लगी थी तो दोपहर का टाइम था, तो एकदम धीरे धीरे आया यहाँ पे। तो अभी मैं 4 PM हुए हैं और यहाँ पहुँच चुका हूँ मैं, और अभी मैं प्रमुख स्वामी नगर के पास धीरे धीरे जा रहा हूँ। और जैसे ही अंदर मैं जाता हूँ और फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है वो मैं आपको शो करता हूँ। गाइज, अभी मुझे यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि जैसे मैं पार्किंग से यहाँ से गेट के पास आ रहा था, मेरे पीछे ही गेट है, तो यहाँ एक बॉल लगा हुआ था और बॉल के ऊपर लिखा था कि पार्किंग का लोकेशन स्कैन कोड था, स्कैन करके पार्किंग का लोकेशन सेव कर लो। तो जैसे ही मैंने स्कैन किया ना, तो मुझे मिला कि हमारा जो प्ले स्टोर है ना, प्ले स्टोर हमारा जो गूगल का आता है मोबाइल में, उसके अंदर 1000
सॉरी PSM प्रमुख स्वामी महाराज 1000 नगर करके एक एप्लीकेशन है ऑफिशियली, वो सेव कर दो तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। मैं यहाँ पे मेन गेट में आ चुका हूँ, मेरे पीछे मेन गेट है देखिए, और यहाँ से एंट्री करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे कितनी लाइन है। जय स्वामीनारायण। मोबाइल पॉकेट नीचे राखी वो साथ में राखी अपना मेरे पीछे ना इन्फॉर्मेशन काउंटर है। ये विलेज के अंदर क्या क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कौन सी देखने लायक प्लेस है, वो सब इन्फॉर्मेशन पीछे मिलेगी आपको। महाराज नगर के अंदर जगह जगह पर प्रेमवती यानी के खाने पीने के लिए व्यवस्था है, और आपको ओनली 20 रुपीज़ में जो भी खाना है वो 20 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ है, सो आपको घर से खाना लाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे प्रेमवती में आपको थोड़ी भीड़ है, लेकिन 10-15 मिनट के अंदर आपका नंबर आ जाएगा उस पर। ये पेलू मोर वाड़ू पेलू छे, हम जो पेलू देखे।
शहरों के बीच संवाद सेतु का निर्माण होता है, जहां समर्थ और साधारण व्यक्तित्व के भेदभाव समाप्त हो जाते हैं और जहां देश विदेश की सरहदों का भी गाइज, आपको ये प्लेस कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और मैंने पूरा प्रमुख स्वामी जो नगर है मुझसे जितना हुआ उतना मैंने कवर किया और खाली मैंने आपको दिखाया। और अभी आपको ये प्लेस कैसा लग रहा है? सच में यार बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है, बहुत ही मेहनत से और बहुत ही लगन से ये पार्क उन्होंने बनाया है। तो गाइज़ आप यहाँ विज़िट के लिए ज़रूर आना। 14 जनवरी लास्ट डे है और मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि इस प्लेस में जैसे ही आप आते हो ना तो आपको एक अंतरात्मा में शांति लगती है, क्योंकि यहाँ प्रमुख स्वामी महाराज का आशीर्वाद है, स्वामीनारायण भगवान का आशीर्वाद है। और प्रमुख स्वामी महाराज की जो शताब्दी का ये महोत्सव है, काफ़ी सालों से हम वेट कर रहे थे, तो फाइनली मैं भी वेट कर रहा था यहाँ आने के लिए। तो आज मैं यहाँ पे आया और मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। और गाइज, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। काफ़ी सारे लोग हैं मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ यार मैं आपको बोलता हूँ कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे इससे भी अच्छे। सो गाइज, ये वीडियो मेरा यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता जी, जय स्वामीनारायण, बाय बाय, टेक केयर।